स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग इस मंदिर को भी दूषित करने में परहेज नहीं करते हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला देवास जिले के बागली तहसील में सामने आया है, जहां प्रभारी प्रधान अध्यापक ने गुरु और शिष्य के रिश्ते को ही कलंकित कर दिया। ग्राम पंचायत जटाशंकर में नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर पर अश्लील हरकत करने और छेड़छाड़ करने की शिकायत दर्ज करवाई है। घटना सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जटाशंकर गांव की रहने वाली 18 वर्षीय छात्रा का आरोप है कि स्कूल प्रभारी हेडमास्टर बाबूलाल कटारिया उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करता था। छात्रा की शिकायत पर बागली थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। नहीं, इसके संबंध में अब इन्वेस्टिगेशन में इन मुद्दों पर भी जांच की जाएगी। चूंकि फरियादी यदि मेरे पास में आता है रिपोर्ट करने के लिए, तो मेरा सबसे पहला दायित्व ये है कि बच्चियों के साथ यदि कोई छेड़खानी अश्लील हरकत की जा रही है तो उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाए। उन लोगों के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, उस आवेदन पर भी जाँच की जाएगी, इसमें सच्चाई क्या है। अभी क्या राउंड ऑफ कर लिया, गिरफ्तारी हुई? हाँ, बाबूलाल जो मास्टर है वो राउंड ऑफ कर लिया गया पुलिस के द्वारा। बाबूलाल पिता दरियाव सिंह निवासी बाटू। रिपोर्ट करने के लिए कि बाबूलाल मास्टर है मिडिल स्कूल का, वो उनके साथ में छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करता था। तो 5 बच्ची आई थी, उनकी रिपोर्ट पर से थाना बागली में अपराध कायम किया गया और पास्को एक्ट के तहत बालकों को संरक्षण अधिनियम और 354 धारा लगी हुई और हरिजन एक्ट की धारा लगी। मामले की खबर लगने पर बड़ी संख्या में शिक्षक और ग्रामीण आरोपी हेडमास्टर के समर्थन में थाने जा पहुंचे। ग्रामीणों और शिक्षकों का कहना है कि प्रधान अध्यापक ऐसा कर ही नहीं सकते, उन्हें किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं बागली थाना प्रभारी एनके सूर्यवंशी का कहना है कि छात्रा की शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक पर पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बागली।